स्वतःचा स्वार्थ सोडून इतरांची सेवा करा, त्यांचे दुःख कमी करण्याचा प्रयत्न करा, असा संदेश मुनिश्री परमपूज्य 108 पुलक सागरजी महाराज यांनी दिला आहे. सकल जैन वर्षायोग समितीतर्फे आयोजित ज्ञानगंगा महोत्सवाच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. याप्रसंगी समितीच्या अध्यक्षा शोभा धारीवाल, कार्याध्यक्ष मिलिंद फडे, उपाध्यक्ष अरविंद जैन उपस्थित होते. याप्रसंगी भारतीय युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष मनिंदर सिंग बिट्टा, जिनवाणी वाहिनीचे नीरज जैन, जिनशरणचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जैन, पिंपरी चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव यांनी मुनिश्रींना श्रीफळ अर्पण करून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. राष्ट्रसंत तरुण सागर महाराज लिखित कडवे प्रवचनीच्या 10व्या अध्यायाचे प्रकाशन मुनिश्रींच्या हस्ते झाले. तसेच रितू सिंघवी, विशाल सिंघवी यांनी मुनिश्रींवर तयार केलेल्या पुलक सागर ॲपचे अनावरण देखील करण्यात आले. यावेळी समितीच्या अध्यक्षा शोभा धारेवाल यांनी पाहुण्यांचा सत्कार केला. चांगले वाईट दिवस येतच राहतात, त्यासाठी आपण कायमच तयार राहावे. मात्र आपल्यासाठी जगत असतानाही आपण दुसऱ्याची सेवा करणे सोडता कामा नये. जगात सगळेच नशिबवान नसतात, जे अभावात जगतात त्यांची सेवा करणे हे नशिबवानांचे कर्तव्य आहे, असा संदेश मुनिश्रींनी यावेळी दिला. जीवन में जरूर होते हैं, दुख थोड़े बहुत होना भी चाहिए. दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है. दुख में ही तो आदमी आदमी बनता है. अच्छे बुरे दिन दोनों आएंगे, बुरे के लिए तैयार रहो. आज अच्छे होंगे, अच्छी बात है, आशीर्वाद है. बुरे दिन भी आएंगे, उनके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए. सब दिन हो तना एक समान. मुझे समझ नहीं आता इस देश में क्रिकेट के बल्ले से मैच जीत जाओ करोड़ों रुपया इनाम दिया जाता है, बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, सरकार भी करोड़ों रुपए दे दिया करती है. अरे मेरे भाई, क्रिकेट के बल्लों से देश नहीं जीते जाते हैं. छाती पर जो गोलियां खाने की ताकत रखता है वो देशों पर राज किया करता है. आज क्या मिलता है एक सैनिक की विधवा स्त्री को? एक सम्मान, दो मिनट का बस, उसके बच्चे. धन्यवाद. मैं ये चाहता हूं यदि कोई सैनिक जवान यदि शहीद हो गया है तो सबसे पहले सरकार को उसकी सहायता, उसकी हेल्प करना चाहिए, और उस बच्चे को सरकारी नौकरियां सबसे पहले प्रदान करना चाहिए. मान्यवर, आरक्षण में उलझ रहा है देश, शहीदों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे. दो शब्द रख दिए, श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, हो गया काम खत्म. किसान बहुत बड़ी ताकत है, किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए. किसान जो सबको भोजन दे रहा है वो कर्जदार होकर मर रहा है, वो फांसियां लगा रहा है. क्या 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 देश विकास करेगा भाई? सोचना है कि दो लोग किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी ताकत.